नोनी जूस, और इसके साथ में एक अलग चीज दिया है जिसका है कोकुम। ये नोनी जूस क्या है आप ही लोगों से मैं पूछ लेता हूं कि हम लोग काफी दिन से इसके बारे में देखते आ रहे हैं, तो आप बताएंगे क्या क्या काम करता है? सर जब पढ़े नहीं है तो कहां से बताएंगे? हाँ सर, सर गैस क्लब मोटापा। फारूक सर, पता नहीं। रफीकुल सर, सोनी पेट के कोई बीमारी के लिए पीछे का ज्वाइंट पेन है, एनर्जी के लिए। देखिए ये पूरा बॉडी को रिकवरी करता है सर। आपको मैं बता देता हूँ, अपने पास से नहीं बोलूंगा, नोनी फल नोनी जूस हम लोगों ने आज तक इस पे एक नजर नहीं डाला। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर खुद लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए नोनी, इस नोनी के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड मिनरल्स, कैल्शियम, पोटासियम, आयरन एंड फास्फोरस। और आज तक आपको पता था इसके अंदर ये चीजें? नहीं पता। इसी पे लिखा हुआ है और हम लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि हमें एक बार इसको देखना भी नहीं। उसके बाद कि जो हमारी बॉडी लेवल है उसको मेंटेन करता है, और उसके बाद है जो हमारा बॉडी सिस्टम है, जो जितने फंक्शन है उसको कैरी करता है, जितने भी बॉडी के पार्ट है, जितने भी बॉडी के फंक्शन है सबको कैरी करता है। और नोनी एक हाई लेवल का एंटीऑक्सीडेंट है, नोनी एक हाई लेवल का एंटीऑक्सीडेंट है, और जितने सेल्स एंड टिश्यू जो होते हैं उनको रिकवर करता है, और उसके बाद हेल्थी हमारे जो ज्वाइंट पेन होता है, हमारे जो ज्वाइंट होते हैं उनको रिकवर करता है, उनको ठीक करता है। उसके बाद हमारा जो हार्ट है, हार्ट को ठीक करता है, हार्ट लेवल को ठीक रखता है। उसके बाद हमारा जो लीवर है और जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये बूस्ट करता है, मेंटेन करता है। उसके बाद मैं बताता हूँ कोकुम, नोनी के बारे में भी बता दिया, कोकुम के बारे भी यहाँ पे लिखा है इसने, और यहाँ पे बताया गया है कि ये कोकुम भी एंटीऑक्सीडेंट है, और ये जितने भी डिजीज हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उस डिजीज को मिनिमाइज करता है, मतलब खत्म करता है। उसके बाद इसका जो यूज है एसिडिटी और डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद डिहाइड्रेशन, उसके बाद गैस, उसके बाद आपका होता है ब्लड प्यूरिफायर, समझते हैं ब्लड प्यूरिफायर, खून की सफाई। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल से ये फाइट करता है, कोलेस्ट्रॉल समझते हैं जिसको हम बोलते हैं खून गाढ़ा होना या खून के अंदर चर्बी बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल ये हमारे हार्ट के अंदर ब्लड में होता है, इसको भी ये फाइट करता है। उसके बाद वेट मैनेजमेंट, बहुत सारे लोगों का खामा खा वजन बढ़ता है, उनको पता ही नहीं है वेट का भी ये मैनेजमेंट करता है। ये सर इसी के अंदर लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों ने आज तक देखा ही नहीं। अगर ये सारी चीजें क्लियर करूं मैं तो सिंपल है कि कोई ऐसा पार्ट बचा नहीं जिस पे नोनी काम नहीं करता हो, कोई ऐसी बीमारी हमारे बॉडी के अंदर बची नहीं जिस पे नोनी काम नहीं करती हो। क्योंकि अगर ये हमारे लीवर पे काम करती है, पेट के अंदर काम करती है, गैस एसिडिटी और इसके ऊपर अगर काम करता है तो यहीं से सारी बीमारियां स्टार्ट होती है। बीपी हाई, बीपी लो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, लिपिड लेवल को ठीक करना, हार्ट की परेशानी को ठीक करना, अगर ये सारी चीजें एक नोनी जूस से ठीक करी जा सकती हैं तो फिर क्यों नहीं? क्योंकि हमें आज तक इसके बारे में पता ही नहीं था कि नोनी जूस के अंदर है क्या, हमने सिर्फ सोच लिया कि इससे तो गैस ठीक होता है। गैस ठीक नहीं होता, बहुत सारी चीजें ठीक होती है गैस के साथ साथ। समझ पा रहे सर? Okay. सर कहाँ यूज नहीं करना चाहिए सर? इसको कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, इसको आप कहीं भी यूज करा सकते हैं, सिर्फ जिस टाइम पे लेडीज के पीरियड होता है उस टाइम पे इसको चार दिन यूज नहीं करना है, तो और एक बार वहां पे जो बच्चा दूध पीता है उस माँ को इस नोनी को नहीं देना। क्लियर है? तो सर आज से हम अगर एक प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं देखते हैं तो सारे प्रोडक्ट के ट्रेनर पर मिल जाए। एक नोनी के अंदर कितनी सारी चीजें। सर ठीक है, आया कुछ समझ में? ओके सर। सर एक चीज देखा है नोनी का।